सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला जहाँ पे आपको मिलता है एन की क्लास सिक्स टू ट्वेल्व की फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड हियर आई एम पायल योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि है एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओके सो so, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं थ्योरी पोर्शन इससे पहले वीडियो में कवर करवा चुकी हूं तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पोर्शन कवर करेंगे जो कि है फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू पॉइंट वन ओके सो देखो कुछ इक्वेशन सॉल्व करना है तो जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग दो तरीके से या फिर दो मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना सीखे थे एक तो दोनों साइड इक्वल करके कैसे जैसे कि यहाँ पे माइनस टू है सो माइनस टू को कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस टू ऐड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ प्लस टू एक साइड में आप ऐड करोगे या फिर घटाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा आपको दोनों साइड आप एक साइड में जो कर रहे हो आपको दूसरे साइड में भी वैसा ही करना होगा जैसे कि आप प्लस टू इधर लिख रहे हो तो आपको प्लस टू इधर भी लिखना होगा क्यों क्योंकि ये टू टू कैंसिल आउट हो जाता है तो फिर यही इक्वेशन रहता है एक्स माइनस टू इज इक्वल्स, इक्वल्स टू सेवन ओके सो इसीलिए ऐसे करना पड़ता है सो so, मैं एक बार फ्रेश करके लिखती हूं जैसे कि आप देखो x माइनस टू प्लस टू इज इक्वल्स टू सेवन प्लस टू ओके सो माइनस टू माइनस टू कैंसिल आउट हो गया ये हो जाता है x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इसका आंसर ओके सो देखो सो so, एक चीज देखो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो मेथड है ये छोड़ के जो मैं और एक बो मतलब आप लोगों को बताया था ट्रांसपोजिंग जैसे कि इस साइड का उस साइड में लेके जाना मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना तो मुझे लगता है वो आपका इजी होगा वो मेथड ओके सो आप ट्रांसपोजिंग मेथड से करो सो so, हम लोग ये जो सारा इक्वेशन है सब ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे ओके सो so, उस हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू सेवन सो यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस टू जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा सेवन प्लस टू मतलब कि नाइन हो गया सो so, ये कितना इजी है ओके सो नेक्स्ट इक्वेशन देखो y प्लस थ्री इज इक्वल्स टू टेन अब देखो y तो इस साइड है जब उस साइड हम लोग थ्री को लेके जाएंगे तो थ्री तो प्लस था तो ये हो जाएगा आपका माइनस टेन माइनस थ्री इज इक्वल्स टू सेवन ओके सो दिस क्वेश्चन इज सिक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस टू सो अगर आप Z को एक साइड रखते हो मानो कि Z आपका इस साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस जेड एंड टू और ये सिक्स जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस सिक्स सो ये होगा आपका माइनस जेड इज इक्वल्स टू टू माइनस सिक्स दैट इज़ माइनस फोर मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका हो गया जेड इज़ इक्वल्स टू फोर ओके सो कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो जो कि है आपका पहला क्वेश्चन वो है थ्री बाई सेवेन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू सेवनटीन बाई सेवन सो हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे एक्स यहाँ पे रहेगा सेवनटीन बाई सेवन और ये जब थर्ड थ्री बाय सेवन राइट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा ये तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय सेवेन तो इसका अगर आप एलसीयम निकालोगे तो हो जाएगा आपका सेवन सेवन वन ज सेवन एंड देन सेवनटीन माइनस यहाँ पे होगा थ्री तो ये आपका हो जाता है सेवनटीन से थ्री अगर घटाओ तो हो जाएगा कितना फोर्टीन बाय सेवन और ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा सेवन टू ज फोर्टीन सो एक्स इज इक्वल्स टू टू ओके सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिक्स सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि है सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व अब सिक्स एक्स का मतलब क्या है सिक्स इन टू एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेल्व तो जब मल्टीप्लाई तो दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है वो हो जाता है आपका डिवाइड सो टिक्स दैट इज सिक्स टू ज ट्वेल्व सो so, x इज इक्वल्स टू टू बहुत ही आसान है सिक्स क्वेश्चन देखो t बाई फाइव इज इक्वल्स टू टेन सो t तो यहाँ पे डिवाइड हो के रखा है मतलब फाइव जो है ये तो यहाँ पे डिवाइड है सो so, ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सो टेन इन टू फाइव दैट इज फिफ्टी सो आंसर हो जाएगा आपका फिफ्टी ओके okay? सो कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ये सात सेवन क्वेश्चन क्या है टू एक्स बाई थ्री इज इक्वल्स टू एटीन ओके सो ये थ्री यहाँ पे किस फॉर्म में है डिवाइड फॉर्म में है सो टू एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग ये लिख सकते हैं एटीन इन टू थ्री ओके देन देखो टू एक्स का मतलब टू इन टू एक्स Is equals to इक्वल into थ्री divided by 2 जो कि आपका होता है टू नाइन जै एटीन थ्री नाइन जै टी अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हो उसके बाद दो से डिवाइड ऐसा भी हो सकता है लेकिन आप जैसे कि आपको वो इक्वेशन सिंपल करने में आसानी हो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके सो इसको कैसे करेंगे वाई सो so इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई बाय वन पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स एक ही चीज़ होता है सो वाई इज इक्वल्स टू वन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन एंड फिफ्टीन मल्टीप्लाई करके देख लो सिक्स थर्टी फाइव सिक्स 30 थर्टी जीरो एंड देन थ्री फाइव वन ज फाइव एंड थ्री एट्टी इन सिक्सटीन ओके सो so, होता है आपका टू फोर्टी अब ये टू फोर्टी और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे एक घर और यहाँ पे एक घर दो घर आगे होगा सो टू पॉइंट फोर ज़ीरो मतलब जो डेसिमल है वो ऐसे हो जाएगा आंसर टू पॉइंट फोर ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन एक्स माइनस नाइनटीन इज इक्वल्स टू सिक्सटीन सो ये सेवन एक्स ये जब सिक्सटीन और नाइन जब इस साइड जाएगा तो कितना होगा नाइन दैट इज़ ट्वेंटी फाइव एंड देन एक्स इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव बाई सेवेन आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो जैसे कि ट्वेंटी फाइव सेवेन सेवन थ्रीज आर ट्वेंटी वन फोर सो इज इक्ल्स टू थ्री एंड फोर बाय सेवन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो क्या है सो नंबर टेन फोर्टीन वाई माइनस एट इज इक्वल्स टू थर्टीन सो फोर्टीन वाई ये एट जब इस साइड जाएगा तो कितना होगा थर्टीन प्लस एट जो आपका हो जाता है ट्वेंटी वन सो वाई इज इक्वल्स टू ये तो मल्टीप्लाई फोर्टीन वाई मतलब फोर्टीन इंटू वाई सो वाई इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन बाई फोर्टीन मतलब कि सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन सेवन टू ज फोटीन सो थ्री बाई टू होगा इसका आंसर ओके सो नेक्स्ट इज़ सेवेंटीन प्लस सिक्स पी इज इक्वल्स टू नाइन सो सिक्स पी इज इक्वल्स टू नाइन माइनस सेवेंटीन जो कि होता है सिक्स पी इज इक्वल्स टू माइनस एट सेवेंटीन से नाइन अगर माइनस करोगे तो एट हो जाएगा और सेवेंटीन के आगे माइनस है तो माइनस एट हो जाता है सो सिक्स पी का मतलब क्या है सिक्स इंटू पी सो पी इज इक्वल्स टू माइनस एट बाय सिक्स जो कि टू फोर जा एट टू थ्री जै सिक्स सो माइनस फोर बाय थ्री ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल्स टू सेवन बाई फिफ्टीन सो एक्स बाय थ्री इज इक्ल्स टू सेवन बाई फिफ्टीन माइनस वन ये कितना होगा फिफ्टीन एल सी एम ले लो सो सेवन माइनस फिफ्टीन मतलब आपका हो जाएगा माइनस एट बाय फिफ्टीन ओके सो अब देखो एक्स बाई थ्री इज इक्वल्स टू माइनस एट बाई फिफ्टीन इतना आ रहा है अब इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना कितना हो जाएगा फिफ्टीन एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर से पहले क्या है माइनस है क्योंकि माइनस एट बाई फिफ्टीन था सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर बाई फिफ्टीन थ्री एट ज ट्वेंटी फोर थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन माइनस एट बाय फाइव हो गया इसका आंसर सो so ये बहुत ही ईजी था बहुत ही सिंपल इक्वेशन था ओके सो एंड वी आर डन फॉर द डे अगर आपको इस सेक्शन या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप पूछना कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो वहाँ पे आपको अगर इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो ओके एंड हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप ज्वाइन कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच